अस्सलाम वालेकुम। पहले आप वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं, एक आदमी उम्रा करने गया है और वो बाल मतलब मुंडवाया है, सर मुंडवाया है बिल्कुल आधा, यानी सर का आधा हिस्सा मुंडवाया है और आधा छोड़ दिया है। और मेरे भाइयों, वहीं पे और एक वीडियो देखिए जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो एक आदमी के सर का बाल काट रहा है, मगर वो बिल्कुल छोटा सा कैंची लिया हुआ है, यहाँ से बिल्कुल छोटा छोटा बाल जो है वो काट दे रहा है। और लोग कहते हैं कि ऐसे काट देने से उम्रा हो जाता है, एहराम की पाबंदी से आप आज़ाद हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, क्या ऐसे काट देने से भी उम्रा हो जाती है, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। और जो पहला वाला वीडियो है उसका जवाब जो है मैं लास्ट में देता हूँ, वो ऐसा क्यों किया है और ऐसा करना क्या जायज़ है, उसका जवाब जो है आपको लास्ट में मिलेगा। पहले इस वीडियो का जवाब सुन लेते हैं। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। क्या अटेंड करवाना लाजिम है उम्रे के बाद? जी, बुखारी में मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने दो दफ़ा दुआ करवाई है उन लोगों के लिए, दुआ की है जो टिंड करवाते हैं, यानी हलक करवाते हैं, शेव ऑफ करवाते हैं सर के बाल, और एक दफ़ा दुआ की है जो बाल छोटे करवाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी बाल छोटे नहीं करवाए, साफ करवाए। तो आप बेहतरी की तरफ क्यों, आप ये सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हाजुमरों को छोड़ें, इन्होंने तो तमाशा लगाया हुआ है। ये तो बाल बस एक कहीं से कलम पकड़ के छोटी सी काटते हैं, समझ लिया कि हमारा उम्रा दा हो गया। कोई नहीं दा होता इनका उम्रा। अगर आपने बाल कटवाने भी है तो अच्छे खासे बाल की तादाद रिमूव करेंगे, यानी कम से कम एक पोर के बराबर पूरे सर के बाल रिमूव करने होंगे, एक साइड से नहीं। हाँ, औरत के लिए है कि वो चुटिया तकरीबन एक उंगली के गिर जितनी लपेटने से आती है, बस वो काट ले काफी है। मर्द ने पूरे सर के बाल या तो मूंढने हैं या वो छोटे करवाने हैं या मशीन मोटी मरवाने, लेकिन पूरे सर के बाल, ये नहीं है कि एक साइड से करें। आप ये देखें, लोग उम्रे पे जाते हैं, जाते वक्त भी बाल उतने होते हैं, वापसी पे भी उतने होते हैं। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़े लोग, जितने भी लोग जा रहे होते हैं, इनको पता ही को नहीं इस चीज़ का, और ये समझते हैं कि एहराम जो है वो दो चादरों का नाम है, हमने एहराम उतार दिया तो बंदियाँ ख़त्म। इनकी बंदियाँ अभी तक नहीं ख़त्म हुई हुई, ये जहन में रखें। एहराम कोई नहीं उतरा इनका, एहराम उतरता है जब आप वो सारे के सारे मामला दुरुस्त करते हैं, बाल काटने या मुंडवाने के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आपने एहराम उतारना है। अगर आपने ये काम नहीं किया और एहराम उतार दिया तो आप पे दम वाजिब हो जाता है, हुदूद हरम में एक बकरा देना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे लोग अगर पाकिस्तान भी वापस आ चुके हैं ना, तो मेहरबानी करें वहाँ एक बकरा दें, अदरवाइज आपको कौन है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में इरादा किया था उम्रे का, और उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमोस्ट 1500 सहाबा जानसार सहाबा का लश्कर लेकर निकले थे, लेकिन रास्ते में ही आपको रोक दिया गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुलह के ऊपर आमादगी कर दी उन शरायत के ऊपर जो बज़ाहिर उस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। उनमें सबसे बड़ा इशू तो ये था कि इस साल आपको हम उम्रे की इजाज़त नहीं देंगे, अगले साल आप आएंगे, और 3 दिन के लिए अहले मक्का जो है वो मक्का छोड़कर पहाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएंगे, आप लोग आके इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिहाजा वो जो उम्रा था उसकी कज़ा फिर आप इस्लाम ने नेक्स्ट ईयर में दी। 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया होगी, हुदैबिया के मुकाम के ऊपर बुखारी में बड़ी डिटेल हदीस मिलती है। अब उसमें जब ये चीज़ तय पाई तो अब ज़ाहिर है सहाबा इकराम ने तो एहराम भी पहना हुआ था, एहराम तो उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक कुर्बानी का जानवर ज़बह ना हो जाए, और बाकी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करनी थी। तो जब ये सुलह हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि अपने एहराम खोल दो, यहीं पर जानवर को ज़बह करने के बाद अपने एहराम खोल दो और बाकी यहीं पर हासिल कर लो, अगली दफ़ा अब हम आएँगे। लेकिन सहाबा इकराम में से कोई भी नहीं उठा। नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को रिपीट किया लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में आए तो इस सफ़र में आपके साथ आपकी बीवी थी सैयदा उम्मे सलमा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इस तरह अपने साहब से ये बात की है, उनमें से तो कोई भी नहीं उठा। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, उनको उनके हाल पर छोड़ दें, आप ख़ुद अपने जानवर को यहाँ पर कुर्बान करें, अपना एहराम खोल दें, ये खुद ब खुद आपको फॉलो करेंगे। सहाबा इकराम को थोड़ा काफ़रों पर गुस्सा भी था, प्लस वो इस उम्मीद में भी थे कि शायद कोई नया हुक्म आ जाए
हमें किताल की इजाजत मिल जाए। बहर नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये किया तो फिर एक एक करके सारे उठे और सब ने उस सुन्नत के ऊपर अमल किया। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आ रही है कि अगर तुम घेर लिए जाओ तो फिर तुम जो है वो कुर्बानी के जानवर को आगे भेज दो, जब अपनी कुर्बान गाह को वो पहुँच जाए और तुम्हें पता चल जाए वो कुर्बान हो गया, फिर अपना एहराम खोलो और यानी वो जो सर मुंडाने वाला मामला करना है। लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं था क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर भी आगे नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का जानवर भी वहीं पर ज़बह कर लिया। सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि मुशरिकीन अरब के अंदर ये चीज़ गुनाह समझी जाती थी कि कोई शख्स हज के लिए सफ़र करे और वो साथ उमरा भी करे। वो कहते थे कि जी आए हज के लिए हो तो उमरा क्यों साथ कर रहे हो, उमरे के लिए आना तो दोबारा से आओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की इस मामले में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया कि आपने ये रस्म तोड़नी है, ये रस्म गलत है। और आप अलैहिस्सलाम ने जब अपना पहला और आखिरी हज फरमाया तो आप चूँकि अपने कुर्बानी का जानवर साथ ला चुके हुए थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपने कुर्बानी का जानवर साथ ना लाता, क्योंकि कुरान में ये आयत है कि जो कुर्बानी का जानवर ले आए जब तक जानवर अपनी कुर्बान गाह तक ना पहुँचे उस वक्त तक वो शख्स एहराम नहीं खोल सकता। तो अब तो मैं तो हज तमत्तो नहीं हज किरान करूँगा। हज किरान भी में भी तमत्तो होता है कि आप एक सफ़र में हज और उमरा इकट्ठा करते हैं। ये हज की तीन किस्मों को समझ लें फिर आपको ये बातें समझना ज़रा आसान होंगी। हज की बेसिकली तीन किस्में हैं। नंबर वन हज इफराद, जिसनों से पंजाबी कहना है छड़ा हज, उसमें सिर्फ हाजी होगा और कुछ नहीं साथ होगा, ना कोई जानवर कुर्बान करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपने उससे तमत्तो नहीं लिया उमरे का। ये जो हज के मौके के ऊपर कुर्बानी की जा रही होती है ये हज की कुर्बानी नहीं होती, बल्कि हज के साथ आप जो उमरे की फैसिलिटी को अवेल करते हैं ये उसके अगेंस्ट आपको कुर्बानी देनी होती है। वो इसी आयत के अंदर आ जाएगा, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 196 के अंदर। और उसमें जो शख्स कुर्बानी की इस्तेदाद नहीं रखता तो वो 10 रोज़े रखेगा, 3 अयाम हज के अंदर रखेगा। और अयाम हज यानी पहले जो 9 दिन हैं यकम जुल्हिज्जा से लेकर 9 जुल्हिज्जा तक, इनके अंदर 3 रोज़े रख लेगा और 7 घर वापस आके रखेगा तो वह 10 रोज़े बन जाएंगे, वो आयात आ जाएंगी। हज इफराद के अंदर आपने कोई कुर्बानी नहीं देनी होती, सिर्फ हज करना होता है। हज जो तमत्तो है उसमें आप उमरा भी साथ करते हैं और हज भी साथ करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। और फ़ायदा यहाँ तक उठाते हैं कि आप अगर पहले पहुँच गए हैं मक्के के अंदर, अभी हज की एक्टिविटीज़ के दिन बाकी हैं जो 8 जुल्हिज्जा से शुरू होते हैं, तो आप अपना एहराम खोल दें। हमने हज तमत्तो किया था, दुनिया में आलमोस्ट 95% ज़्यादा लोग हज तमत्तो करते हैं क्योंकि वो पहले ही ले जाते हैं वहाँ पे आपको, तो आप उमरा करके एहराम खोल देते हैं। अभी तो 8-10 दिन हज में पड़े होते हैं, अब 8-10 दिन एहराम की पाबंदियाँ कोई किस तरह बर्दाश्त करेगा कि वो कोई आपने नाखून भी नहीं काटने, बाल भी नहीं और टूटने चाहिए, और बाकी आपने पूरा प्रोटोकॉल कोई इस तरीके से खुजली भी नहीं करनी, सर पर कोई चीज़ भी नहीं रखनी, इतनी सारी पाबंदियाँ। तो नबी इस्लाम ने फिर साहबा को हुक्म दिया कि जिन्होंने उमरा कर लिया है उमरा करने के बाद एहराम खोल दें। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम नहीं खोला क्योंकि आप कुर्बानी का जानवर साथ लाए थे, और कुरान में हुक्म है कि जब तक कुर्बानी का जानवर कुर्बान ना हो जाए आप एहराम नहीं खोल सकते। तो जो लोग कुर्बानी का जानवर नहीं लाए हुए थे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तुम्हें तो कोई मजबूरी नहीं है इसको खोलो, तो फिर भी कुछ लोगों ने नहीं खोला तो आप फरमाया वो नाफरमान है जो मेरे इस हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। फिर एक सहाबी ने आगे पूछा, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है कि या रसूलल्लाह ये हमारे लिए आसानी है या बाद के लोगों के लिए, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि क़यामत तक हज और उमरा इस तरह आपस में दाखिल हो गए, यानी अब आपने सुन्नत को जारी कर दिया। तो हज तमत्तो में आप एहराम खोल देते हैं, फिर 8 जुल्हिज्जा को आप जोहर के बाद जो है वो एहराम बांध लेते हैं और फिर आप मिना चले जाते हैं, और फिर वो जो हज की एक्टिविटीज हैं वो 12 तक वो आपने वो करनी होती हैं, उसमें से भी पहले दिन ही आपने जाहिर है कि जब 9 जुल्हिज्जा का दिन आएगा तो अरफा से आप वापस आएंगे। तरतीब ये होती है कि 8 और 9 की दरमियानी रात आपने मिना में गुजारनी है, और फिर सुबह के वक्त आपने वहां से निकलना है, सुबह से मुराद फजर के बाद सूरज निकलने के बाद,
और आपने दिन अपना अरफात में गुजारना है। लोग पैदल भी चले जाते हैं, ऑलमोस्ट पैदल वहां से आप समझ लें एक डेढ़ घंटा लग जाता है, और बसों में जाएं तो तीन चार घंटे लग जाते हैं क्योंकि बहुत रश होता है। अब तो बड़ी चौड़ी रोड उन्होंने बना दी, या पैदल ही जाएं तो आसानी रहती है, जगह जगह पानी पीने की जगह भी बनी हुई है। नौज़ुल्हिज्जा का दिन आपने यौम अरफा, जो असल उसकी रूह है, वो मैदान अरफात में गुजारना है, और मैदान अरफात में आपने जोहर और असर की नमाजों को जमा करके पढ़ना है और कसर पढ़ना है। ये हज की खसूसियत है, दो फर्ज जोहर के, दो असर के, और फिर मगरिब तक मुसलसल दुआएं करनी है। उधर की इबादत दुआएं हैं, या आपने वो जो सुन्नत अज़कार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये मैदान अरफात की दुआ है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये भी दुआ मिलती है। और जब मगरिब की नमाज का वक्त हो जाए तो आपने नमाज नहीं पढ़नी बल्कि मजीद अंधेरा होने का इंतज़ार करना है। थोड़ा सा जब अंधेरा होगा तो आपने बगैर नमाज पढ़े वहाँ से निकलना है और आकर आपने मुज़दलिफा में आ जाना है। मुज़दलिफा जो है वो मिना और अरफात के दरमियान है, यानी सुबह आप मिना में खैमे लगाए हुए थे, मिना से चले गए अरफात, वापसी पे मिना वापस नहीं आएंगे बल्कि रास्ते में आप मुज़दलिफा के अंदर रुकेंगे, और वहाँ पर आपने रात गुजारनी है 9 और 10 की दरमियानी रात, और उसी रात में आपने मगरिब इशा की नमाज़ वहाँ पर रात को जिस टाइम भी पहुँचें, आप रात 12-1 बजे पहुँचने में भी कामयाब हो जाए तो ये आपकी कामयाबी है। बाद लोग फजर के वक्त ही पहुँच रहे होते हैं, जो पैदल आते हैं वो तो पहुँच जाते हैं, जो गाड़ियों में आते हैं वो फजर के करीब ही कहीं पहुँचते हैं, लेकिन उस रात का कुछ हिस्सा वहाँ पर गुजारना ज़रूरी है। तो आप मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, 3 फ़र्ज़ मगरिब के 2 इशा के, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़नी है। फजर के बाद आपने तुलू आफ्ताब का इंतज़ार करना है, सूरज निकलने का। जैसे ही सूरज निकलेगा तो आपने फिर मिना आ जाना है अपने खैमों की तरफ, क्योंकि ये पहला दिन है जिसमें आपने वो जमरात को कंकरियाँ मारनी है, जिसको कहते हैं शैतान को कंकरियाँ मारनी है। और ये है 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन। हाजियों के लिए 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन ईद की नमाज कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, एहराम उन्होंने पहना हुआ है, तो सीधा जाएंगे। वो 3 जमरात हैं, यानी वो जिसको शैतान कहते हैं यहाँ के लोग, जिनकी निशानी बनी हुई है। मिना से आप काबे की तरफ जाएं तो सबसे पहले एक छोटे वाला आएगा, फिर दरमियाने वाला, और एंड पे बड़े वाला आता है जो काबे वाली साइड की तरफ है। तो पहले दिन आपने पहले 2 को कंकरियाँ नहीं मारनी होती हैं बल्कि 3रे वाले को मारनी होती हैं, और उसके लिए जो कंकरियाँ आपने आंदा दिनों में भी मारनी है ना, वो आपने मुज़दलिफा से ही चुनना सुन्नत है। वो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में वहीं से छोटी छोटी कंकरियाँ जमा कर लेते हैं, यानी वो इतनी कंकरियाँ ख़त्म नहीं होती, इतने लोग हज करते हैं फिर भी हो सकता है वहाँ फिकवा भी देते हों, वो वहाँ से उठा के दोबारा, अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम हो। लाखों लोगों ने अगर इतनी कंकरियाँ उठानी है, और फालतू ही उठानी चाहिए, कहीं निशाना रह जाता है तो फिर वो ये ना वापस आना पड़ जाए 4-5 किलोमीटर, ठीक है, तो लोग फालतू ले कर चलते हैं, लेकिन उठानी वहीं से है सुन्नत, ये नहीं कि वहाँ से कोई उठा के किसी की ले के मारनी है। दरमियान इसी चने की साइज की कंकरियाँ, और वही वो मकाम है जहाँ पे आपको पता है बड़ी भगदड़ मचा करती थी, बड़े लोग शहीद होते थे। अब तो खैर वो उन्होंने उसको कई स्टोरीज बना दिया है, और टाइमिंग डिस्कस इस तरह की हुई है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट के लोग आसानी के साथ ये काम कर लें। पहले दिन मसला नहीं होता, क्योंकि पहला दिन तो आपके पास पूरा होता है ना कंकरियाँ मारने के लिए, सुबह के वक्त आप जाके मार सकते हैं। बस कंकरियाँ मारते ही आपने फिर कुर्बानी करनी है, कुर्बानी करने अगर खुद चले गए फिर तो पूरा दिन ही लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि किसी एक बंदे को हायर करें, जिसको आप सारे ग्रुप के जानवर लेके दे दें, उसे फ़ोन पे बता दें, या अगर बैंक में जमा करवाया तो बैंक वालों ने आपको टाइमिंग दी होती है, उसके मुताबिक आप कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी होते ही फिर अब आप आज़ाद हैं कि अपने सर के बाल मंडवाएँ, एहराम खोल दें, और सादा कपड़ों में आके तवाफ़ ज़्यारत करें। तवाफ़ ज़्यारत करने के बाद आपने वापस मिना में रात गुजारनी है, यानी 10 और 11 की दरमियानी जो रात है वो भी मिना में गुजारनी है, फिर 11 और 12 की दरमियानी रात भी वहाँ पे गुजारनी है, और अगले 2 दिनों में वो जो ये यानी आपने 11 और 12 को जो कुछ करना है वो उसमें आपने तीनों को कंकरियाँ मारनी होती हैं। खैर ये पूरा एक तरीका है, मैं सारी उसकी निटी ग्रिटीज़ में तो फिर 1 घंटा और लग जाएगा, मैं एक एक चीज़ बताऊँ।
ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि हज तमत्तों में ये होता है कि आपने एहराम खोल देना होता है उमरा करके और दोबारा आठ जुलहिज्जा को बांधना होता है। किरान में यह कि आपने एहराम चलाते रहना है हत्ता कि आप सारी हज की एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए वहाँ तक पहुँच जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज किरान किया था लेकिन वो भी तमत्तों की एक शक्ल है कि आपने नफ़ा तो उठा लिया है तो उसके लिए कुर्बानी ज़रूर देनी होती। तो मेरे भाई बात कर लेते हैं पहले वाले वीडियो की, जो आदमी बिल्कुल ही हाफ टेंट करवाया था तो मुझे गुमान है कि उसने इसलिए किया होगा कि वो एक उम्रा करेगा और फिर एक उम्रा करके उसने टेंट करवा लिया आधा और फिर वो मस्जिद आयशा जाएगा, फिर वहाँ से आएगा दूसरा उम्रा करने के लिए और फिर उसके बाद वो पूरा टेंट करवा लेगा, वो जो बाकी है उसको टेंट करवा लेगा। तो मेरे भाई जो ये जो मस्जिद आयशा से जाके एक बार आके फिर से और एक उम्रा कर लेते हैं एक सफ़र में, एक से ज़्यादा मर्तबा उम्रा करना क्या सही है या गलत, वो भी सुन लेते हैं। मस्जिद आयशा से मिकात नहीं बनती, आपने कहा है कि 92 किलोमीटर के 100 किलोमीटर सईद आयशा वाली मस्जिद से नहीं बनती, तो वो एक कोई क्रो फ्लाइट होनी चाहिए या नहीं? जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया इन्होंने। तनईम जो है ना, तनईम वो जगह है जहाँ पे अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, उनके भाई को भेजा था अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को, कि वहाँ से सही बुखारी में आता है हज और उम्रे पे मसला 54 ABC मेरा डी तक रिकॉर्डेड है, वो ज़रूर देखें, मैंने सब कुछ बयान किया। तो वो मिकात में तो नहीं आती, वो सईद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के लिए या जिन औरतों के साथ वो पीरियड वाला मामला हो जाए उनके लिए खास है। नबी अलैहिस्सलाम या किसी सहाबी से एक सफ़र में एक से ज़्यादा उम्रा करना साबित नहीं है, इवन अनफियों के नज़दीक भी ये खिलाफ सुन्नत है, अहले हदीस तो पहले ही कहते थे, लिहाजा इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि मस्जिद आयशा से जो बार बार टिंडे करवा करवा के आराम बांध रहे हैं ये बिदत है। एक सफ़र में नबी अलैहिस्सलाम ने एक उम्रे की इजाज़त दी है, इस तरह बार बार उम्रों की कोई इजाज़त नहीं है इल्ला ये कि मिकात तक, और वो ऑलरेडी जब मदीना शरीफ को जाता है वापसी पर वो मिकात कवर हो जाता है, ये गलत है। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी, और ये दोनों वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।